और हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए, हमारा पहला स्टेशन है सीरियल इमली का सेट, जहां पर छोटी इमली ने तो इस सच में कमाल कर दिया। अब आर्यन और इमली इतना लड़ते हैं, उन्हें लड़ता झगड़ता देख छोटी इमली ने ये बात ठान ली है कि इन दोनों को मिलवा कर ही रहेगी। अब भी इमली की बेटी है कोई मामूली बात थोड़ी है, जब मम्मी में वो बात है तो वे छोटी इमली में तो उससे भी बड़ी बात होगी। पगडंडिया में फिर से शुरू होगी आर्यन और इमली की नई लव स्टोरी। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है कुंडली भाग्य का सेट, जहां पर आज का अर्जुन अपने घर पहुंचा है। अब मम्मी जी तो पहले से ही अर्जुन में करण को देखती है, तभी तो एक करण को जो लड्डू पसंद थे ना, सेम वही लड्डू वो अर्जुन को भी खिला रही है। क्या फिल्मी ड्रामा है भाई। अब अर्जुन ये वाला ट्रैक ना कुछ ज्यादा ही लंबा खींच रहा है, बता दो ना कि तुम ही करण हो और बात को खत्म करो। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है इस सीरियल स्पाई बहू का सेट, जहां पर स्पाई बहू की पोल खुल गई है। वो क्या है ना, घर में सबको पता चल गया है कि सेजल एक स्पाई है और इस घर में वो बदला लेने के मकसद से आई थी। चलो दो मिनट के लिए सोच लेते हैं कि अभिषेक एक टेररिस्ट था और तुम एक देशभक्त स्पाई। फिर भी अभिषेक को मारने से पहले तुमने एक बार दृष्टि के बारे में नहीं सोचा। वो स्पाई बहू सही मायनों में है, लेकिन अगर वो स्पाई बहू सही मायनों में है तो योहान के लिए बहुत दिल तोड़ने वाली बात है। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है इस सीरियल वो तो है अलबेला का सेट, जहां पर सयूरी और कान्हा के बीच तूतू मैमे हो गई है। अब सयूरी को लगता है कि अंजलि से प्यार करता है कान्हा, क्योंकि अंजलि ने इस सयूरी के दिमाग में कुछ ऐसी बातें जो डाल दी है। लेकिन मंदिर में कान्हा ये बात क्लियर कर रहा है कि अंजलि उसकी केवल दोस्त है, प्यार तो वो सयूरी से ही करता है। और रही बात अंजलि की, तो हम मानते हैं वो हमसे प्यार करती है, लेकिन हम उसे अपना दोस्त समझते हैं। हमने उसे कहा है कि हम उससे प्यार नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ सयूरी से प्यार करते हैं। हमने उसे एक बार नहीं, कई बार ये बात कही है। अब उसकी उसकी समझ में ये बात आई नहीं रही तो हम क्या करें। फटाफट खबरों में आज के लिए केवल इतना ही, हम कल फिर लौटेंगे एक कुछ नई खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।